घर में क्लेश, अब देखते हैं घर में कभी कभी किसी किसी कोई कोई घर ऐसा होता है जहाँ पर सुबह रामायण महाभारत से शुरुआत होती है तो शाम को एंड भी रामायण महाभारत से होता है ना। तो हम देखेंगे कि क्लेश होने से हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, और जब क्लेश होती है तो क्लेश होने का नुकसान क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो क्लेश होने से हमारे घर में आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है ना, या घाटा हो जाएगा, व्यापार रुक चलता हुआ व्यापार का रुक जाएगा है ना, कर्जा बढ़ जाएगा है ना। तो ये इसीलिए कहा गया कि घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। अब घर में क्लेश क्यों होता है, ये तो ठीक है क्लेश से भाई बीमारियां और क्लेश से धन दौलत पर प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि घर में झगड़ा होगा तो लेडीज भी शामिल होंगी है ना, और लेडीज का जब हम देखते हैं कि जो ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है, कौन सा ग्रह होता है शुक्र ग्रह, और जो लक्ष्मी का जो ग्रह होता है वो भी शुक्र होता है ना। तो इसका मतलब है कि जो स्त्रियां होती हैं स्त्रियों में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अपन देखते हैं कि जब कोई लड़की शादी के लिए आती है तो अपन क्या कहते हैं लक्ष्मी का मानते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आई, बेटी पैदा हुई तो अपन कहते हैं लक्ष्मी आई है ना, बोले बहू के घर में पैर पड़ते ही घर में बरकत हो गई, बेटी के पैदा होने से घर में बरकत हो गई, तो लक्ष्मी क्योंकि शुक्र है, वो शुक्र है, शुक्र ग्रह के आने से क्या होता है कि पैसा आना प्रारंभ हो जाता है, और यदि घर में उसी लड़की से जब माँ हो वह बहन हो चाहे बीवी हो अगर इनसे अपना लगातार क्लेश चलता है रोज तूतू में सुबह शाम होती है तो नियम से उन घर में जाकर देखेंगे अपन तो कर्जा मिलेगा, कर्जा मिलेगा ना, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही मिलेगी ना, क्यों क्लेश है। तो इसलिए हमें कि यहाँ पर क्लेश किस चीज़ से होता है, तो क्लेश होने के लिए अपन देखते हैं कि घर में जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं इनसे हमारा क्लेश जुड़ा होता है। कहा जाता है कि जब अपन जो आटा अपन रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं है ना, तो आटा गूंथते हैं तो उस आटे में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी सी हल्दी की चुटकी भर हल्दी जरूर डालना चाहिए उस आटे में, हल्का सा नमक डालना चाहिए है ना, और उसके साथ साथ उस जो पानी का हम यूज करें आटे में तो वो आटे में पानी डालें तो पानी कौन सा डालें, उसमें कम से कम एक लोटा पानी अगर लगता है रोटी बनाने में तो उस एक लोटे पानी में कम से कम नहीं तो 21 बार नमक का पड़ो, 21 बार एक लोटे पानी में नमोकार मंत्र पढ़ करके और अब उस पानी से आप आटा गूंथिए, और फिर अब वो उस आटे से जो पानी अपन ने 21 बार मंत्र पढ़ा है उसमें से आधा पानी बचा लो आटे में डाल दो या दो जग पानी तैयार कर लो है ना, और उस आधे पानी से जो सब्जी बनाते हो उसमें जो पानी डाला जाएगा वो पानी उसमें भी डालो है ना। तो आप देखेंगे कि वह भोजन जो अपना तैयार होगा वो मांत्रिक भोजन हो गया,